अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू इजी क्रिएशंस। आई होप आप लोग खुश होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बनाएंगे क्रीमी चीज़ी मैक्रोनीज। बहुत सुपर टूपर इजी एंड क्विक रेसिपी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पे पिसा हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून भर के अच्छी तरह मैंने ले लिया और उसको मैंने हल्के से सौते किया। और आधा किलो इसके अंदर मैंने चिकन ऐड किया बोनलेस, और इसको मैंने 2 मिनट्स के लिए जस्ट फ्राई किया। और उसके बाद इसके अंदर हम अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून काले मिर्च, 1 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1 टीस्पून ओरिगेनो पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद 3-4 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 3-4 टेबल स्पून सोया सॉस, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम अदरक पाउडर डालेंगे या पिसी हुई अदरक ले लें, इट्स अप टू यू, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर हम अच्छी तरह मिक्स मुक्स करके और फिर इसको ढक्कन दे के चिकन गलने के लिए छोड़ देंगे। और सॉस हम रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1/2 कप क्रीम चीज़ ली है और 3-4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने मायो, चीज़ मायो ऐड कर लें या बारबेक्यू मायो ऐड कर लें, गार्लिक ऐड कर लें, इट्स अप टू यू। चिली गार्लिक केचप जो मिलती है सॉस, वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। 3-4 टेबल स्पून अच्छी तरह बीट अप करके उसको मिक्स करके आप साइड पे रख देंगे। दूसरी साइड पे हमारा चिकन रेडी हो गया है और इसके अंदर मैंने अपनी वेजिटेबल ऐड कर दी है, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, आलू, जो भी आपका दिल करे वो वाली वेजिटेबल्स या जो भी अवेलेबल हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो कॉर्न्स ऐड कर लें, मटर ऐड कर लें, इट्स अप टू यू, जो आपको पसंद है वो वाली वेजिटेबल्स आप ऐड कर लें। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने चीज़ पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ये देखें जी, अच्छी से हमारी सौते भी हो जाएंगी वेजिटेबल्स। आलू मैंने बॉईल किए थे, गाजर हल्की सी नरम थी, ठीक है, क्रंची क्रंची ही थी, और बस सारी चीज़ें सौते करके और फिर इसके अंदर हमने अपनी क्रीम सॉस ऐड की। और बस ये मैक्रोनीज मैंने 8 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में बॉईल की हुई है ऑयल और नमक के साथ, और बस इसको आपने निकाल लेना है, हल्का सा गार्निश करना है जैसे आपका दिल करता है। मैंने धनिया डाल लिया, सॉस डाल ली, केचप, और दैट्स इट। तो ये थी जी आज की सुपर डुपर इजी एंड क्विक रेसिपी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।